नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अलग अलग राशियों की अलग अलग खूबियां होती हैं, अलग अलग कमजोरियां होती हैं, और अगर अपनी राशि को समझ करके हम कुछ खास उपाय करें तो हम जीवन में बेहद सफल होते हैं। हम रोज चर्चा करेंगे एक अलग राशि के बारे में और उसके जीवन के विज्ञान को समझने के बारे में। इसी क्रम में सबसे पहले आज बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि राशियों में पहली राशि है और इस राशि का स्वामी होता है मंगल। मेष राशि से ही जीवन की शुरुआत होती है, तो शरीर में जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होने लगे या जीवन में किसी चीज़ का आरंभ होने लगे तो उस समय मेष राशि को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। मेष राशि सूर्य की बेहद प्रिय राशि है और सूर्य यहाँ आकर बेहद मजबूत होता है। उसी तरह से शनि की सबसे कमज़ोर राशि है और शनि मेष राशि में आके सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जो लोग भी मेष राशि के हैं उनके अंदर तीन गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। पहला गुण उनके अंदर अध्यात्म की, मेडिकल यानी चिकित्सा की और ज्ञान की संभावनाएं बहुत होती हैं। मेष राशि वालों के अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मेष राशि के लोग डॉक्टर बन जाएं, आध्यात्मिक क्षेत्र में चले जाएं, धर्म गुरु हो जाएं, प्रवचनकर्ता हो जाएं तो बहुत सफलता मिलती है, और मेष राशि के लोग मेडिकल के सेक्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी जुड़ें तो सफलता की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन मेष राशि की दो बड़ी मुश्किलें हैं। पहला कि ये बहुत चंचल राशि है, इनका मन एकाग्र नहीं होता, और दूसरा मेष राशि की सबसे बड़ी मुश्किल है कि इनको अक्सर गले के ऊपर का जो इलाका है सर दर्द हो जाएगा, आँखों में समस्या हो जाएगी, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो जाएगी, इसकी संभावना भी मेष राशि वालों के जीवन में काफ़ी रहती है। मेष राशि के लोग अमूमन जीवन में 40 वर्ष के पहले ही सब पा जाते हैं, चाहे मकान बनने का सवाल हो, चाहे संतान प्राप्ति का हो, चाहे जीवन में उन्नति का हो। ऐसा देखा गया है कि मेष राशि के लोग जीवन में 40 साल के पहले सब कुछ पा जाते हैं, लेकिन 40 से 60 का जो समय होता है वो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। इस समय में सेहत को लेकर मुश्किलें इन्हें परेशान करती हैं। अगर आपकी राशि मेष राशि है तीन काम जरूर करिए। पहला, सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, सादा जल प्लेन वाटर। दूसरा काम, एक लाल रंग का रुमाल अपने पास में जरूर रखिए। और तीसरा, घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलिए, नियमित रूप से गुड़ खाने की आदत बनाइए। अगर ये तीन काम करें तो निश्चित रूप से बदल जाएगी आपकी किस्मत, चमक जाएगा आपका भाग्य। फिर होंगे हाजिर, दूसरी और तीसरी राशि के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक एक राशियों के समाधान के बारे में और उनके गुण के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एस्ट्रो तक में बस इतना ही। नमस्कार।